हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विथ अमित में। जी हाँ, बात करेंगे हम जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की तमाम जानकारियों से। लेकिन जो मित्र चैनल पर नए, चैनल से नहीं जुड़े, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। देखिए, जूनियर शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने फिर शुरू किया धरना। मामला क्या है, देखिए जान लेते हैं। जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए 2021 में एक विज्ञापन आया था, जिसके तहत जो है कोरोना के बाद एक जूनियर एडेड, मतलब जो एडेड विद्यालय हैं, उनकी लगभग 5000 पदों का अध्याचन था कि 5000 पदों के लिए जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती होगी। लेकिन बाद में फिर निकलते निकलते यह आया कि 1504 जो है अध्यापक के पद होंगे जूनियर में, और 390 प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल के पद होंगे। हालांकि इन सब के लिए जो है 2021 में अक्टूबर माह में एग्जाम सकुशल संपन्न हुआ, उसके बाद परिणाम आया, उत्तर कुंजी आई। लेकिन उसके बाद फिर जो है काफ़ी अभ्यर्थी कोर्ट गए, कोर्ट्स में उनके नंबर अच्छे थे, पेपर उन्होंने अच्छा किया था, लेकिन उनके जब मार्क्स खराब आए तो फिर मामला कोर्ट में पहुंचा, जिसके बाद लगातार कोर्ट की कार्यवाही के बाद फिर से जो संशोधित परिणाम आया। उसी बीच जो है सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी जो है अनिल भूषण चतुर्वेदी नहीं थे, उसके बाद जो है अनिल भूषण चतुर्वेदी जी के नेतृत्व में फिर से जो है जूनियर एडेड का परिणाम आया। लेकिन ये परिणाम आया था अगस्त में, फिर आज तक जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगातार अभ्यर्थी मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं, उनको ये लग रहा है कि जब हमने भर्ती दिया, हमने परीक्षाएं दी, परिणाम आया तो नियुक्ति कब मिलेगी। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ों में लगातार इस जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में लगातार पेच पे पेच फंस रहे हैं, जिसके चलते लगातार अभ्यर्थी हतोत्साहित थे, जिसकी वजह से उन्होंने कल जो है धरने का प्रोग्राम किया, उन्होंने धरना दिया। क्या निष्कर्ष, क्या मामला है, आइए दिखाते हैं आपको। 2 माह पहले परिणाम संशोधन के बावजूद अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती शुरू नहीं की जा सकी। इससे नाराज अभ्यर्थियों ने सोमवार को शिक्षा निदेशालय में प्रदर्शन किया और कहा कि अगले 28 नवंबर से बेमियादी धरना शुरू कर देंगे। एडेड जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक के 1504 और प्रधानाध्यापक के 390 पदों पर भर्ती होनी है। अभ्यर्थियों ने इससे पहले अक्टूबर में भर्ती पूरी किए जाने की मांग की। लगातार निदेशालय में अभ्यर्थियों ने जो है लगातार मांग की 18 नवंबर तक पूरी कर ली जाएगी, कहा गया था, आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन 21 को कुछ नहीं हुआ, तब जाके अभ्यर्थियों ने धरना दिया। उसके बावजूद अभ्यर्थियों ने चेतावनी भी दी है कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई, भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, तो 28 नवंबर से फिर से जो है बेमियादी धरना शुरू किया जाएगा। कहीं ना कहीं एक धरना ऐसा होगा जो अनवरत चलेगा जब तक कि काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू नहीं हो जाती। हालांकि कहने वाली बात है कि लगातार बीजेपी सरकार में भर्तियां हुई, बेसिक में 1,26,000 पदों की भर्तियां हुई, जो कि पूर्व में वीडियो हमने किया भी है और वीडियो माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान भी। लेकिन जब लगातार अभ्यर्थी हैं आपके पास, योग्य हैं, एग्जाम आपने करा लिया है, परिणाम आ चुका है, परिणाम बदल के आ चुका है, दोबारा आ चुका है, तो कहीं ना कहीं आखिर देरी क्यों हो रही है, किस वजह से जो भर्ती को शुरू नहीं किया जा रहा है, काउंसलिंग का कार्यक्रम नहीं जारी किया जा रहा है। केवल इस एवज में ही कहा जाएगा कि अभ्यर्थी केवल मानसिक रूप से प्रताड़ित थे, उन्होंने मेहनत किया, एग्जाम दिया, परिणाम आया, कहीं कुछ विसंगतियाँ हुई थी, उनको जो है दूर किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी मानसिक रूप से अभ्यर्थी को प्रताड़ित किया जा रहा है, आखिर कहाँ तक सही। तो कहीं ना कहीं सिवज में अभ्यर्थी जो चयनित सफल अभ्यर्थी हैं, जिनको उम्मीद है कि हम चयन लिस्ट में जगह बना पाएंगे, उनके नंबर अच्छे हैं, लगातार हतोत्साहित और परेशान होकर उन्होंने जो है धरना देने का निर्णय लिया है। हालाँकि प्रदर्शन ठीक रहा, आश्वासन फिर मिला है, अगर जो है 28 के अंदर 27 तारीख तक कार्रवाई नहीं की जाती, कोई जियो विज्ञापन नहीं जारी होता, तो अभ्यर्थी फिर से धरना देंगे। हालांकि सत्य है कि जितने लोगों ने परीक्षाएं दी हैं, उनके नंबर आए हैं, तो उनको ज्वाइनिंग मिलेगी, देर मिलेगी, लेकिन ज्वाइनिंग उनको मिलेगी, उनकी ज्वाइनिंग कोई नहीं रोक सकता। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल से नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। धन्यवाद।